अगर मैं ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो हमारा इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। इस वजह से रिएक्शन और सी और डी बनाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को वापस रिस्टोर कर सके। एंड इन दिस वे आवर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट। फर्स्ट करें, मैं ग्राउंड में एक होल डिग कर रही हूँ एंड माई फ्रेंड इज ट्राइंग टू रीफिल इट। अगर मैं बहुत तेजी से डिग करना शुरू कर दूं तो माई फ्रेंड विल ऑल्सो हैव टू वर्क फास्टर टू फिल इट एट द सेम पेस, एज इन माई फ्रेंड विल हैव टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम। एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एक कॉन्स्टेंट स्टेट में आ जाना, सो दैट देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन दिस स्टेट। अगर कोई भी स्ट्रेस इस स्टेट को अफेक्ट करने की कोशिश करता है, द सिस्टम वर्क्स अगेंस्ट इट टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट करें, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो हमारा इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। इस वजह से रिएक्शन और सी और डी बनाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को वापस रिस्टोर कर सके। एंड इन दिस वे आवर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकते हैं? That's what Le Chatelier based his study on, and he found out that factors like temperature, concentration, and pressure can in fact influence the equilibrium of a system. हमारे reactants A और B वाले example में हमने देखा कि reactants की concentration बढ़ाने से equilibrium destroy हो गया, और हमें उसी हिसाब से products की concentration भी बढ़ानी पड़ी। For gaseous reactions in particular, pressure also impacts equilibrium. इस reaction में let's have A plus 2B react to form C plus T. अगर रिएक्शन का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम फॉल करेगा, मीनिंग देयर विल बी लेस स्पेस फॉर द रिएक्शन टू इनकर। इन दिस केस रिएक्शन विल मूव टू द राइट साइड जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। फॉर आवर एग्जांपल इट विल मूव फॉरवर्ड। इसके बरक्स अगर प्रेशर कम किया जाए वॉल्यूम वुड इंक्रीज एंड देन द इक्विलिब्रियम वुड शिफ्ट टू द साइड विद मोर नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हम इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर का इफेक्ट समझना चाहें तो हमें रिएक्शन के एनर्जेटिक्स को समझना होगा। द सिंपल आइडिया इज कैन इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड फेवर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेयर एज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर वुड फेवर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो फॉर अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और इस वजह से हमारा सिस्टम एनर्जी लूज करता है एंड इट फेवर्स द एंडोथर्मिक साइड। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम करती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है, हमारे सिस्टम को खुद से और एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है, एंड इन दिस वे इट फेवर्स द एक्सोथर्मिक साइड, हेंस प्रूविंग ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल दैट इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम द सिस्टम एक्ट्स इन अ वे एज टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस।